यस yes, बच्चों अब हम लोग आ रहे हैं डिस्कशन पर तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो दिया था बेटा देब्रोगली कॉन्सेप्ट एंड हाइड्रोजन हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का होमवर्क सेक्शन ई तो इसको हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं मैं डिस्कस कर रहा हूं एक्सरसाइज वन पार्ट वन सेक्शन ई ठीक है कंडीशन वेन विद एन इलेक्ट्रॉन वुड इक्वल टू दसोसिएटेड विद्सोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन बराबर है और ये होगा एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एच अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, तो बेटा ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये वेलासिटी ऑफ प्रोटोन इंटू एटीन ये आ गई कंडीशन वेलासिटी के टर्म्स में ठीक है क्वेश्चन नंबर ई टू एन इलेक्ट्रॉन इन एच एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब फाइव टाइम्स एज मच एनर्जी एज द मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर एस्केप फ्रॉम द एटम वॉट इज द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन अच्छा क्वेश्चन है e2 क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि n इक्वल टू वन में बेटा इलेक्ट्रॉन है ठीक है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन केनिक्वल टू वन में है और इस पर आप एक फोटोन गिराते हैं जिसकी एनर्जी 1.5 टाइम्स आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है तो आपको याद ही है हाइड्रोजन की आयोनाइश एनर्जी क्या होती है 13.6। पॉइंट सिक्स ये एनर्जी आयोनाइश एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा लेकिन क्या सारी एनर्जी उसमें ख़त्म हो जाएगी नहीं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में जो एनर्जी लगेगी वो है थर्टीन पॉइंट सिक्स और पॉइंट ईवी जो एनर्जी है वो एनर्जी यूज हो जाएगी तो रिमेनिंग एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगी वो होगी 1.5 पॉइंट फाइव माइनस वन थर्टीन पॉइंट सिक्स मीन्स थर्टीन पॉइंट सिक्स बाय EV, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जो बाहर निकल गया है और आपसे पूछ रहा है इसकी वेवलेंथ सिंपल फॉर्मूला एनर्जी याद आया ये फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला याद करने के फायदे हैं इससे एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ आ जाएगी डेब्रोगली वेवलेंथ क्वेश्चन नंबर E3 क्वेश्चन नंबर E3 क्या है द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन

पॉइंट वन इन टू टेनरेस्ट टू पार माइनस नाइन पोजिशन मीटर में इन टू फाइव पॉइंट टू सेवन टेस्ट माइनस ट्वेंटी क्वेश्चन में है कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो सकती है इस क्वेश्चन की ठीक है और इससे आप मास कैलकुलेट कर लोगे कैलकुलेशन मैंने कहा टफ है कोई टेंशन नहीं है आराम से अपना कर लो कैलकुलेटर का यूज कम करो कभी कभी आपको जरूरत पड़े तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा कम करोगे तो आपका कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बनी रहेगी क्वेश्चन नंबर ई फोर द ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए देखो फोर्थ ऑर्बिट में बोर मॉडल और दिब्रोगली का रिलेशन आपको मैं याद दिलाता हूं एन लेमडा इज इक्वल टू टू पाई आर याद आया फोर्थ ऑर्बिट में डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन इज ए इंटू डेब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए इंटू ए इंटू बाई आर नॉट होगा टू पाई आर नॉट इन एन स्क्वायर एन यानी फोर स्क्वायर हाइड्रोजन है तो बस आपको ए की वैल्यू निकालनी बेटा ये कैंसिल हो गया आर नॉट कैंसिल हो गया तो फोर ए इज इक्वल टू टू एन टू फोर स्क्वायर सो ए इज इक्वल टू एट और ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी वैल्यू ऑफ एट ए इक्वल टू एट हो जाएगा ए की वैल्यू आपको निकालनी थी फॉर्मूले में वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है आपको इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई फाइव ई फाइव क्या है एन इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली एट रेस्ट इज इनिशियली एक्सेलरेटेड एक्सिलरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस हंड्रेड देखो पहले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जीरो इसमें हंड्रेड वोल्ट का पोटेंशियल लगाएंगे और एक्सेलरेशन तो हंड्रेड वोल्ट 100 eV एनर्जी जुड़ जाएगी तो अब काइनेटिक एनर्जी हो गई बेटा 100 eV इट देन हैज अध्यारोघली वेवलेंथ लैम्डा 1 तो इस इलेक्ट्रॉन की देबरोगली वेवलेंथ लैम्डा 1 होगी 150 अपॉन 100 एंगस्ट्रॉम फॉर्मूला सबको याद है इसके बाद इट देन गेट रिटार्डड थ्रू 19 वोल्ट माइनस 19 eV तो अब जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो है 81 eV तो लेमडा टू की वैल्यू 150 फिफ्टी बाय 81 वन सही है इसके बाद अ फर्दर रिटार्डेशन 32 टू माइनस थर्टी टू ईवी तो अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो गई 81 वन माइनस थर्टी टू फोर्टी ईवी इसके लिए वेवलेंथ है लेमडा थ्री ठीक है देन हैज अ वेवलेंथ लेमडा टू एंड अ फर्दर रिटार्डेशन थर्टी टू वोल्ड लेमडा थ्री लेमडा थ्री वन फिफ्टी अपॉन फोर्टी नाइन एंगस्ट्रॉम और हमसे पूछ रहा है लेमडा थ्री माइनस लेमडा टू अपॉन लेमडा वन लेमडा थ्री लेमडा टू लेमडा वन लेमडा थ्री टू वन तो थ्री टू वन यानी वन फिफ्टी अपॉन फोर्टी नाइन वन फिफ्टी अपॉन एट्टी वन वन फिफ्टी अपॉन हंड्रेड तो ये हो गया बेटा वन बाय सेवन वन बाय नाइन वन बाय टेन सोल्व कर लोगे ठीक है यस yes बच्चों ई सिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं इफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर इक्वल तो इसने बोला है आपसे ई सिक्स क्वेश्चन में डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है पोजीशन एंड मोमेंटम देन द अनसर्टेटी इन इट्स मेजरमेंट इट्स वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ठीक है हाँ तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई दोनों इक्वल है तो ये हो गया बेटा डेल्टा पी स्क्वायर एच सो एम डेल्टा वी यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई रूट तो बेटा इन वेलोसिटी पूछ रहा है ना एच अपॉन फोर पाई वन अपॉन एम देखो यही होना चाहिए अब डेटा क्या क्या दिया है इसने मास दिया हुआ है और एच की वैल्यू एच इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स टू फाइव टेंडरेज टू पार माइनस थर्टी फोर फोर थ्री पॉइंट वन फोर ठीक है और उसके बाद मास इलेक्ट्रॉन का वन अपॉन नाइन पॉइंट वन टेन एस टू माइनस थर्टी वन तो ये रूट निकाल के कैलकुलेशन थोड़ी टफ जरूर होगी ये वाली वैल्यू आएगी एक्स इंटू टेन एस टू पार ट्वेल्व क्लोजेस्ट इंटीजर आपको एक्स बताना है ठीक है इसके लिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसके बाद है बेटा इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी टू ई क्वेश्चन नंबर ई सेवन एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी टू ई है और इस पर एक्सलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस टू ई और बढ़ा दिया क्योंकि टू वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उतनी ही होती है जितना उस पर एक्सेलेशन पोटेंशियल वोल्ट में लगाते हैं तो टू ई वी एनर्जी बढ़ गई तो अब काएटिक एनर्जी कितनी हो गई इसकी फोर ई अब उसके बाद कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन तो इसकी वेवलेंथ होगी 150 अपॉन 4 ठीक है इट इज 12.3 बाय 2 एंगस्ट्रॉम डायरेक्ट फॉर्मूले का ये फायदा होता है इसके बाद है क्वेश्चन नंबर E8 E8 क्या है बेटा फोटोन हैविंग वेवलेंथ 12.4 नैनोमीटर वाज अलाउड टू स्ट्राइक अ मेटल प्लेट हैविंग वर्क फंक्शन 25 ईवी ठीक है तो पहले तो फोटोन की एनर्जी कितनी हुई वन टू फोर डबल जीरो अपॉन वन टू फोर देखो नैनोमीटर में ट्वेल्व पॉइंट फोर है तो वन टू फोर हो गई एंगस्ट्रॉम में हंड्रेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ये मेटल प्लेट इस पर फोटोन मार रहे हैं हंड्रेड ईवी का वर्क फंक्शन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा इसका ट्वेंटी फाइव तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी सेवेंटी फाइव डन आगे बढ़ रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हो गई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी वेवलेंथ होगी बेटा 150 बाय 75। डायरेक्ट रिलेशन टू रूट टू एंगस्ट्रॉम रूट टू की वैल्यू 1.414 होती है इसके बाद बेटा सी पार्ट इसका जो सी पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है टफ है थोड़ा कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेटीन मोमेंटम डेल्टा पी आपको बेटा दिया हुआ है डेल्टा पी क्या दिया हुआ है ये, ये है आ, टेंटी एट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये डेल्टा पी दिया हुआ है और अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ हमसे पूछ रहा है वेवलेंथ की वैल्यू रूट टू एंग है ठीक है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं देखो पी इज इक्वल टू इज़ इक्वल टू एच अपॉन पी ठीक है तो पी इक्वल टू एच अपॉन तो बेटा इज़ इक्वल टू माइनस एच अपॉन स्क्वायर ले हमें यहां पे इसको लिखना है डेल्टा पी एच अपॉन लेमडा स्क्वायर डेल्टा लेमडा और अगर मैं सिर्फ मॉड में इंटरेस्टेड हूं तो फिर हमें किसी भी तरह से माइनस साइन को यहां नहीं रखना है क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं तो डेल्टा लैमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर डेल्टा पी अपॉन एच लैमडा की वैल्यू बेटा रूट टू एंगस्ट्रॉम है इसका मतलब टू टें टू पार माइनस ट्वेंटी मीटर में सब्सिट्यूट किया है मैंने डेल्टा पी की वैल्यू आपको दे रखी है सिक्स पॉइंट सिक्स टू टेनरेज टू पार माइनस ट्वेंटी एट एच की वैल्यू भी इतनी ही होती है टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर ऑर्डर डिफरेंट होता है ये नीचे बेटा एच है ठीक है, है तो डेल्टा लैमडा एक्चुअली अनसर्टेनिटी क्या है एरर ठीक है और एक बहुत छोटी सी एरर है तो वो डिफरेंशियल टर्म में बताई जा सकती है इसलिए मैंने क्या किया इस डिब्रोगली वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया तो डिफरेंशिएशन में जो डीपी आएगी वेवलेंथ आप देखो ये सॉरी मोमेंटम uh, में जो अनसर्टेनिटी है इतनी तो है इसी को तो डीपी बोलते हैं प्रैक्टिकली तो डी को ही हमने डेल्टा पी यहां रखा ये वाली वैल्यू और डेल्टा लेमडा अपने को कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर इंटू डेल्टा पी अपॉन एच लेमडा ये रहा सब करके आंसर निकाल लिया ये क्वेश्चन ये वाला जो पार्ट है थोड़ा टफ है तो आप लोग बेटा ये क्वांटम नंबर्स की सारी बातें एक बार और रिवाइज कर लो क्योंकि इनको अब हम लोग अप्लाई करेंगे किस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मीन्स अरेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम एटम में इलेक्ट्रॉन्स का क्या पैटर्न होता है क्या अरेंजमेंट होता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं उस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हैं, दीज आर गवर्न्ड बाय थ्री रूल्स तो वो सारे रूल्स वगैरह ये सब हम लोग आप पढ़ेंगे ठीक है अरेन्जमेंट Of electrons in a multi electron atom is known as electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको लिखने के लिए बेटा आपको थ्री रूल्स पढ़ने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट बेटा इसी लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर गवर्न बाय थ्री रूल्स फर्स्ट इज ए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल क्या है यह बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है बेटा क्वांटम मैकेनिक्स का और यह बताता है इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव वैल्यूज ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर सेम किसी भी एटम में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती लॉजिकली एकदम सिंपल है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बेटा सेम हो गई तो फिर आप उन दो इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंशिएट कैसे करोगे आपने तो इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट या कैरेक्टराइज करने के लिए ही क्वांटम नंबर बनाए थे ना इट इज लाइक कि दो लोगों का अगर आधार कार्ड का नंबर बेटा सेम हो गया तो फिर घपला हो गया ना ये तो तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसी के ऊपर बेस्ड है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है इन एन एटम इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स नो टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज सेम नहीं हो सकती ठीक है इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कहते हैं और एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट और एंटी पैरल स्पिन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दो और उनके स्पिंस भी कैसे होने चाहिए अपोजिट देखो कैसे ये देखो मान लिया ये एक ऑर्बिटल है बेटा और इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन लिखा ये वाला इस इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एन एल एम एल और एम एस यानी स्पिन क्वांटम नंबर ये चार वैल्यूज होंगी कोई समस्या ठीक है मान लेता हूं वन एस ऑर्बिटल है तो एन इक्वल टू वन एल इक्वल टू जीरोल इक्वल टू जीरो टू प्लस हाफ और माइनस हाफ कोई एक वैल्यू होगी अब इस ऑर्बिटल में मैंने इसी वन एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे रख दिए सही है दिख रहे हैं आपको दोनों के इसमें पैरेलल हैं। तो एन की वैल्यू वन एल की वैल्यू जीरो एम एल की वैल्यू जीरो और एम एस की वैल्यू इन दोनों के लिए प्लस हाफ एंड प्लस हाफ और माइनस हाफ एंड माइनस हाफ या तो दोनों के लिए प्लस हाफ और या दोनों के लिए माइनस हाफ तो इसका मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम और इसलिए ये क्या है गलत है रॉन्ग अगर हम मान लें कि इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो बेटा इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आने में सारे क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाएंगे ना आप तो देखो, लेकिन एमएस की वैल्यू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ एक के लिए प्लस हाफ दूसरे के लिए माइनस हाफ हमें नहीं पता किसके लिए बट अगर फर्स्ट वाले के लिए प्लस हाफ है तो सेकंड वाले के लिए माइनस हाफ होगी और अब अगर मैं इस ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन भर देता हूं थ्री तो थर्ड वाले के लिए एम एस की वैल्यू या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ होगी ना तो फिर से आइडेंटिकल हो जाएगा इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे टू और वो भी अपोजिट स्पिन में पैरल स्पिन में नहीं आ सकते ये वाला केस गलत है तीन वाले केस भी गलत है हाँ किसी क्वेश्चन में आपसे आदमशन बोल दे कि नहीं आप तो ऐसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं वो छोड़ो तो आप कर सकते हो तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो ना एक मानकर इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप जो भर रहे हो, तो नेचर इसको फॉलो करता है तो क्वांटम कि किसी भी एटम में नो टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन होंगी मान लिया हम दो इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं इस तरह के जैसे ये बेटा एक सबशेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है दूसरा ये बताओ इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों के लिए सेम एक ही शेल का सबशेल हो गया ना एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट एक के लिए माइनस वन दूसरे के लिए जीरो या प्लस वन या जीरो इन तीनों में से प्लस वन माइनस वन जीरो कोई भी दो वैल्यू इसमें आएंगी यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया डिफरेंट हो गया तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे ये पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है तो अभी हमने पढ़ा बेटा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अब हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी तो ये मल्टीप्लिसिटी बेटा वही है स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो अपन बोलते हैं तो ये जो रूल है में की को तो अभी जो हमने भरा वो हमने ये भरा पॉलिस्कून प्रिंसिपल में कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा ठीक है ना वे ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन एन ऑर्बिटल नाउ वी आर डीलिंग विद द वे ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल तो एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका यह है कि जब तक सारी सबशेल सारे ऑर्बिटल्स उस सबशेल के हाफ फिल्ड ना हो जाएं तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होती तो इस रूल को हम लोग लिख रहे हैं इन अ सबशेल दैट इज सेट ऑफ जेनरेट ऑर्बिटल्स एक सप्शेल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट आफ्टर ईच ऑर्बिटल ऑक्यूपाय वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पैरल स्पिन इन अब्शियल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट आफ्टर ईच ऑर्बिटल ऑक्यूपाई वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन पैरल स्पिन तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हमने लिखा आप एग्जाम्पल पी वन मतलब पी में एक इलेक्ट्रॉन तो पी में बेटा एक इलेक्ट्रॉन अगर आपको भरना है ना तो आप ऐसे भर सकते हो कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं या आप एक काम कर सकते हो आप ये भी कर सकते हो क्यों कर सकते हो क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो सेम है कैसे भी भरो कोई इशू नहीं है या आप ये भी कर सकते हो या फिर आप ये भी कर सकते हो पहले इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही कई सारे केस हो सकते हैं जब आप P2 यानी दो इलेक्ट्रॉन पे आओगे तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे भर दिया है तो हंड रूल कैसा है दूसरा ऐसे भरा जाएगा या फिर अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन नीचे भर दिया है तो दूसरा भी नीचे भरा जाएगा या आप एक काम और कर सकते हो ये भी कर सकते हो एंड सो मैनी केसेस बट P2 अगर आपने ऐसे भरा है तो ये गलत है अगर आपने P2 ऐसे भरा है तो ये भी गलत होगा ये वाला ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर और एक नीचे ये सब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स नहीं हैं। ये गलत है ये तरीका सही है इसी तरह से अगर P3 भरना है बेटा तो P3 कैसे भरा जाएगा वन टू थ्री और इनको बोलते हैं पैरल पी P4 कैसे भरा जाएगा P पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन सिक्स तो P4 तो अब आप भरोगे वन टू थ्री फोर इसी तरह से अगर P5 भरना है तो वन टू थ्री फोर फाइव और पी सिक्स भरना है तो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ऐसे भर सकते हो समझ में आई बात ये तरीके गलत है तो ये है बेटा हंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ठीक है ना अब आपसे अगर पूछा जाए कि आपको d3 भरना है तो d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं इक्वल एनर्जी वाले फाइव ये है वन ये है टू ये है थ्री इसी तरह से d5 अगर भरना है तो कैसे भरोगे वन टू थ्री फोर फाइव d7 भरना है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ये बेटा मेथड फॉलो होगा This is known as rule. इसमें क्या होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो जाती है टोटल स्पिन मैक्सिमम हो जाता है, yes, बेटा, third जो रूल है वो है ऑफ बाउ प्रिपल ऑफ बाउ प्रिंसिपल का मतलब बिल्डिंगअप प्रिंसिपल तो बिल्डिंगअप का मतलब क्या कि अभी तक जो चर्चा हम लोग कर रहे थे जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे बेटा वो डिस्कशन था हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कौन सा रूल हुआ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसके बाद हमने पढ़ा हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन विद कौन सा रूल हुआ हंड रूल अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट सब्शेल्स में किस तरह से फिल्ड होंगे तो इसके लिए रूल आता है आफबाऊ प्रिंसिपल और आफबाऊ प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रॉन्स आर अरेन्ज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम Are arranged in various subshells in increasing order of energies. सबसेल्स की एनर्जीज बेटा डिफरेंट होती हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सबसे कम एनर्जी वाले सबसेल में जाएगा क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं सबसे कम एनर्जी उस सबशेल की होती है जिसके इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एवरेज न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होते हैं उन पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगता है तो इलेक्ट्रॉन पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जहां लगेगा वहीं पर तो जाना वो सबसे ज्यादा पसंद करेगा तो मिनिमम एनर्जी से लेकर एनर्जी इंक्रीजिंग मोड में वो इलेक्ट्रॉन एटम में फिल्ड होगा अब ये हम एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ सब शेल्स आर क्वांटिफाई बाय एन प्लस एल रूल तो एन प्लस एल रूल क्या है एज एन प्लस एल वैल्यू ऑफ सबशेल इंक्रीजेज एनर्जी इंक्रीजेज फॉर टू सबशेल्स

कि दो सबसेल्स अगर हैं तो जिसका एन प्लस एल ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा ठीक है लेकिन अगर ऐसी दो सब्शेल्स फंस गई जिनमें एन प्लस एल बेटा सेम है तो जिनके एन प्लस एल सेम है उसमें एन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा ये तो हुआ रूल अब ऐसा क्यों हुआ क्योंकि आपको बताया जा चुका है एनर्जी किन किन बातों पे डिपेंड करती है वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड एजिमुथल क्वांटम नंबर ठीक है तो एन प्लस एल जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा ये तो आप समझ गए लेकिन एनर्जी का मेन डिपेंडेंसी किस पर होता है एन पर तो अगर एन प्लस एल दो सब शेल्स के बेटा सेम है तो एक का एन ज्यादा होगा और एक का एल ज्यादा होगा और एल पर डिपेंडेंसी कम होती है एनर्जी की ज्यादा किस पर होती है एन पर और इसलिए जिसका एन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो देखो इधर एक ऑर्डर हम बनाते हैं सबसेल्स मान लो लिखा हमने हम, हम लोगों ने और शेल से मान लो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, ठीक है 4d, 4f, 5s, 5p एंड सो ऑन n की वैल्यू और l की वैल्यू और फिर n प्लस एल की वैल्यू तो बताओ बेटा इसके लिए n देखो हाँ ठीक है आप वीडियो पॉज करके खुद लिखेंगे वैल्यूज़ खुद कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं जो लिख रहा हूँ वो देखेंगे मैच कर लिया बेटा तो अब इसके बेस पर हम एनप्लस के हिसाब से भाव, प्रिंसिपल को यूज करके और का एनर्जी ऑर्डर लिख सकते हैं सबसे कम एनर्जी किसकी होगी वन एस की क्योंकि इसका एनप्ल सबसे कम है और उसके बाद किसका नंबर आएगा टू एस का इसका एनप्लस एल टू है लेकिन टू एस और थ्री पी फस गए बेटा दोनों का एनप्ल क्या है थ्री तो फिर किसकी एनर्जी ज्यादा होगी जिसका एन ज्यादा है तो ध्यान से देखो टू पी का एन है टू और एल है वन और थ्री एस का एन है थ्री और एल है जीरो तो जब हम टू पी से थ्री एस में आ रहे हैं तो एन तो बढ़ रहा है मतलब एनर्जी बढ़ रही है लेकिन एल घट रहा है मतलब एनर्जी घट भी रही है लेकिन अब ये सोचो कि एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो रही है ज्यादा डिक्रीज हो रही है द आंसर इज एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो रही है ठीक है और जब एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो फिर ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज होगी और इसलिए 3s की एनर्जी 2p से ज्यादा होगी तो अब आप बेटा ये n प्लस एल रूल के हिसाब से जो आपको बताया ना सारी सबसेल्स का एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे देखो एक ऑर्डर में लिखता हूं 1s सबसे कम एनर्जी 2s 2p और 3s में कंफ्यूजन लेकिन जिसका एन ज्यादा है अभी आपको बताया उसकी एनर्जी ज्यादा तो आ, 2p और उसके बाद 3s देन थ्री पी देन फोर एस ये थ्री डी ठीक है ना फोर पी और फोर पी के बाद किसका नंबर आएगा क्या फोर पी के बाद फोर डी आएगा फोर पी के बाद आएगा फाइव एस ठीक है ना एंड सोन so इस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो तो ये एनर्जी ऑर्डर है अब इस एनर्जी ऑर्डर के बेस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे एग्जांपल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हाइड्रोजन ये इसके इलेक्ट्रॉन है वन एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन सी सब्सल में जाएगा ये एनर्जी ऑर्डर है बेटा सबसे पहले जाएगा वन में तो वन अगर हीलियम लिखते जिसमें इलेक्ट्रॉन टू होते हैं तो वन अगर लिथियम लिखते थ्री तो क्या ये वन एस थ्री होता नहीं वन एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं टू तो इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो अब जाएगा टू एस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थ्री इसी तरह से बेरिलियम फोर इलेक्ट्रॉन ये हो गया बेटा वन एस टू टू एस टू देन बोरॉन फाइव इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p1 क्योंकि 2s में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यस टू इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है कार्बन 1s2, 2s2, टू टू नाइट्रोजन जिसमें सेवन होते हैं 1s2, 2s2, 2p3 क्योंकि 2p में ये एक सबशेल है बेटा टू पी इसमें थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं सिक्स जिनकी एनर्जी सेम रहेंगी और इसीलिए जब इनकी एनर्जी छ तक सेम ही रहेगी तो फिर अगला सबशेल थोड़ी नंबर आएगा वो तो बाद में आएगा तो अब ऐसे करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने की प्रैक्टिस करनी है और याद करने हैं कहाँ तक 36 नंबर तक ये आपकी कॉपी में इसके बाद होने चाहिए तो वीडियो को बेटा कर दो पॉज और अपने आप लिखने की कोशिश करो फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बस अपने को तो बच्चों को बोलना है कि बच्चे तो ये बेटा मैंने 36 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट आपको बना के दी है आपको इस लिस्ट को देखने से पहले अपने आप पूरी कोशिश करनी है दस तक ये हो गए उसके बाद सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्केंडियम टाइटेनियम ट्वेंटी टू तक यहाँ एक बात ध्यान से देखें सोडियम का कॉन्फिग्रेशन बेटा ये पूरा लिखा हुआ है और वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स ये होता है नियॉन कॉन्फिग्रेशन तो पूरा लिखने के बजाय आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं इनर्ट गैस पर तोड़कर नोबल गैस क्योंकि इसमें क्या होता है एक इसके बाद नया शेल शुरू होता है स्टार्ट होता है ना तो यहाँ तक आप बेटा नोबल गैस को लिख के और फिर आगे बढ़ा सकते हैं इससे कम स्पेस इस में और जल्दी आपका काम हो जाएगा जो यहाँ किया ठीक है ये हो गया बेटा ट्वेंटी टू तक ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स इसमें ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी नाइन पे मैं स्टार लगा रहा हूं हो सकता है जो आपने लिखा है ये उससे कुछ डिफरेंट हो येस इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़े से डिफरेंट हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग इसको पूरा नोट कर लो आई होप कि बेटा आप लोगों ने सारे कॉन्फ़िगरेशन ढंग से समझ लिए देख लिए और एक दो जो एक्सेप्शन हैं उनको अपन को याद करना है कॉपर और क्रोमियम अब उसी का रीजन क्या है एक्सेप्शन का वो मैं आपको बता रहा हूं एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर सी इनके अलावा अगर हम देखें तो थर्टी uh, सिक्स तक जो हम लोगों ने ये लिखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इनमें सारे कॉन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स होते हैं बट जैसे जैसे हायर मेम्बर्स बढ़ते हैं हम लोग तो कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फिग्रेशन आते हैं हमारे सिलेबस में क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है जो कि एक्सेप्शनल है अब ये जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको एक्सप्लेन हम लोग कैसे करते हैं द सिंपल पॉइंट इज हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल देन नियर बाय अरेजमेंट हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पी थ्री की स्टेबिलिटी है पी थ्री मतलब ये हो गई हाफ फिल्ड और जो p6 की स्टेबिलिटी है ये हो गए कंप्लीटली फिल्ड इनकी स्टेबिलिटी इनके जो आसपास वाले कॉन्फ़िगरेशन से बेटा उनसे ज्यादा होती है तो p3 की स्टेबिलिटी p2 से ज्यादा और p3 की स्टेबिलिटी p4 से भी ज्यादा होती है ठीक है ना इसके पीछे जो रीजन है उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं रीजन वन सिमेट्री ऑफ कॉन्फिग्रेशन नेचर फॉलोज सिमेट्री नेचर बेटा सिमेट्री को फॉलो करती है सिमेट्री किस तरह का कि नेचर में जो भी चीजें बनती हैं, मोस्टली उनमें सिमेट्री फॉलो होती है एक डिफरेंट टाइप के एक लीव को देखें पत्ती को तो पत्ती को अगर हम देखेंगे बेटा तो पत्ती में एक जो बीच में एक लाइन है इसके अराउंड पत्ती सिमेट्रिकल होती है इसी तरह से हम किसी ह्यूमन बॉडी को भी देखेंगे तो बीच में से एक आप लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं जिसके अराउंड दोनों तरफ एक एक हाथ होता है एक एक पैर होता है दो आंखें दोनों एक एक तरफ तो ये एक सिमेट्रिकल टाइप का पैटर्न है नेचर सिमेट्री को फॉलो करती है और ये वाले जो पैटर्न हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं दीज आर मोर सिमेट्रिकल जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये लिखूं बेटा ये कौन सा पैटर्न है ये है डी फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो ये सिमेट्रिकल है ऐसे ही डी टेन ये देखो ये D10, ये सिमेट्रिकल है पूरी तरह से इनके अलावा जो इनके आसपास के कॉन्फिग्रेशन हैं वो सिमेट्रिकल नहीं है ऐसे ही इसमें दूसरा एक कॉन्सेप्ट है और वो है एक्सचेंज एनर्जी कॉन्सेप्ट एक्सचेंज एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या है विद इन सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उनमें क्वांटम टेंडेंसी होती है एक्सचेंज होने की तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये एक्सचेंज होते हैं तो इस एक्सचेंज में एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी अगर रिलीज होती है तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है इस बात को आप लिख सकते हैं पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पैरेलल स्पिन्स विद इन अबसेल हैज क्वांटम टेंडेंसी टू एक्सचेंज देयर पोजिशन During एक्सचेंज दे रिलीज सम एनर्जी नोन एज एक्सचेंज एनर्जी ठीक है जैसे एक्सचेंज से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो p2 टू कॉन्फिग्रेशन है तो p2 में ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा सेम स्पिन में है ना तो एक्सचेंज करेंगे और यहां पे वन एक्सचेंज होगा ऐसे ही अगर p3 है तो ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री वन टू थ्री वन का एक्सचेंज टू के साथ का एक्सचेंज के साथ और टू का एक्सचेंज भी थ्री के साथ तो ये बेटा एक एक्सचेंज हुआ ये एक एक्सचेंज हुआ और ये एक एक्सचेंज हुआ टोटल थ्री एक्सचेंज इसी तरह से बेटा डी फाइव है बताओ डी फाइव में कितने एक्सचेंज होंगे ध्यान से देख के बताना यस yes, वन टू थ्री फोर ठीक है वन टू थ्री ऐसे इसके थर्ड वाले के वन और टू और ये तो ये हो गए बेटा टोटल कितने फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन टोटल टेन एक्सचेंजेस तो ये एक्सचेंजेस हैं और जितने ज्यादा एक्सचेंज होते हैं उसमें एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होती है तो ये भी एक प्रकार से हमें बताता है कि जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं और इसलिए अगर मैं क्रोमियम 24 की बात करूं तो इसमें हम लोग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 5, 4s, 3d4 और 4s2 सोच रहे थे जबकि ये गलत है ये हो गया 3d5 4s1 क्योंकि ऐसा करने से 3d5 डी फाइव इज मोर सिमेट्रिकल देन थ्री डी फोर एज वेल एज एक्सचेंज एनर्जी ऑफ थ्री डी फाइव इज मोर देन थ्री डी फोर तो ऐसा करने से ये ऑब्जर्वेशन यहां आ गया अब इसमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा जो हम लोग लिख रहे हैं ना वो ग्राउंड स्टेट वाले लिख रहे हैं सारे मिनिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये मिनिमम एनर्जी वाली जो स्टेट है वो ये ना होकर ये हो जाती है ये वाला एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है इसी तरह से कॉपर ट्वेंटी नाइन में वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी नाइन फोर एस टू हम सोच रहे थे ये गलत है ये हो जाता है बेटा थ्री डी टेन फोर एस वन ये सही है ये दोनों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं और ये ऐसा एक्सेप्शन है ये आपको याद रखना ही पड़ेगा पहले फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो एक्सेप्शन uh, हैं ये जहां लग रहे हैं बेटा वहीं यूज करने हैं ऐसा ना हो कि कोई और केस आप ले लें, कि सर इसमें एक्सेप्शन क्यों नहीं लगा नहीं एक्सेप्शन अलग से एक्सप्लेन किए जाएंगे के रूल नहीं बनेंगे याद रहे रूल पहले आपको बता दिए तो आई होप कि ये दोनों एक्सेप्शन अब आपको क्लियर होंगे तो बच्चों अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा एटॉमिक जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मोनो एटॉमिक आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एटम्स की तरह ही लिखे जाते हैं तो थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ मोनो एटोमिक आयंस मोनो एटोमिक आयंस कैसे जैसे देखो कैटायन कैटा बेटा कैसे बनेगा कोई एटम है ए इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे माइनस सम इलेक्ट्रॉन्स से एन तो इस पर चार्ज आएगा बेटा ए एन प्लस ये बन गया कैटाइन तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन कैसे होगा जो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे जिन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है या जिन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम लग रहा है आंसर इज न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम लग रहा है और ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉन से कैसे पहचानोगे इनको तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा जो एकदम आउटर मोस्ट शेल में है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी removed फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट शेल ठीक है देखो एग्जांपल मान लिया हमारे पास मैग्नीशियम है टू एट टू इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल के एमजी टू प्लस बन गया तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकल रही है मैंने कैसे लिखा टू एट टू वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स टू इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो टू और एट बचा पूरा कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे 1S2, 2S2, 2P6. इसी तरह से बेटा अगर मान लो एल्यूमिनियम है और इसमें से थ्री इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एल्यूमिनियम थ्री प्लस बन जाएगा अब ये होता है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी वन तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले तीन तो आउटर मोस्ट के तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स ऐसे निकालेंगे इसी तरह से अगर मैं यहां राइट में डिस्कस करूं एनायंस तो बेटा एक कोई एटम है बी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड किए से एन इलेक्ट्रॉन तो बी एन माइनस बन गया ना इलेक्ट्रॉन आए तो नेगेटिव चार्ज आया एनायन बन गया अब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से जाएंगे तो कहां तक जाएंगे जो मिनिमम एनर्जी की आउटर मोस्ट सबशेल वेकेंट है उसमें जाएंगे उसके अंदर की सारी सबशेल्स तो पूरी भरी हुई होंगी ना इसलिए तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ Anion from Atom Electrons will be added to. वेकेंट सब शेल ऑफ मिनिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी की जो वेकेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो Cl- माइनस बन जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स हो गया इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है इसी तरह से मान लो सल्फर होता तो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एन के केस में कैटाइन के में एक दो एग्जाम्पल मैं अभी आपको और बताता हूं ठीक है तो ये दोनों आपने समझ लिए। तो कैटायन बेटा एक बात देखो अगर मान लो स्कैंडियम हमारे पास है ट्वेंटी ये होता है बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2 आपको याद है इलेक्ट्रॉन जो ट्वेंटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में गया था किस में गया था वो यस yes, डी में अगर मुझे स्कैंडियम थ्री प्लस बेटा लिखना है तो ये होगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स ठीक है ये तीन इलेक्ट्रॉन बेटा हमने निकाल दिए इसी तरह से एक एग्जाम्पल देखें टाइटेनियम ट्वेंटी टू का वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टू फोर एस टू लिखा हुआ है और टाइटेनियम टू प्लस अगर हमें करना है तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टू थ्री डी टू एस में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा सॉरी एस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा डी में से नहीं निकलेगा क्यों क्योंकि आपको मैंने रूल बताया था बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो आउटर सब शेल से निकलता है ध्यान से देखो तो शेल यही है ना आउटर मोस्ट अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन जब भर रहा था तब तो आपने डी में डाल दिया इलेक्ट्रॉन बाद में तो भरा इसमें बाद में लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव हो रहा है यही है ना कि थ्री और फोर में इलेक्ट्रॉन जब भरना था तो हमने भरा फोर में इलेक्ट्रॉन और उसके बाद थ्री का नंबर आया यानी डी में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा है लेकिन जब निकालने की बारी आ रही है जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा है तो फोर में से इलेक्ट्रॉन पहले निकल रहा है तो बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ रहा होता है और जब इलेक्ट्रॉन एटम से जा रहा होता है बाहर तो एटम का नेचर चेंज होता है नेचर कैसे जब इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर जा रहा होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना होता है और जब पॉजिटिव चार्ज बेटा बनता है ना तो जो शेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और कॉन्ट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सबसे कम होता है उसके अंदर वाले शेल्स में और सब शेल्स में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है तो जब ये टाइटेनियम टाइटेनियम टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा होगा ड्यूरिंग दैट मोमेंट जो पॉजिटिव चार्ज इस पर क्रिएट होगा वो इसके शेल्स को सब सबसेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो आउटर मोस्ट शेल है यानी ये वाला 4s ये जो सब शेल है ये सबसे कम कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन ही पहले निकलेगा अब अगर आपको टाइटेनियम 3+ लिखना है तो वो होगा 3d1 और अगर टाइटेनियम फोर प्लस लिखना है तो वो होगा थ्री पी सिक्स तक और थ्री डी अब जीरो हो जाएगा यानी अब डी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा बात समझ में आई और अगर आपको इसी तरह से एफ का कॉन्फिग्रेशन लिखना है ट्वेंटी सिक्स होता है बेटा ये वन एस टू टू, एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री, एस टू, थ्री पी सिक्स थ्री डी सिक्स फोर एस टू अगर मैं आपसे कहूं Fe2+ का कॉन्फिगरेशन तो ये होगा 3d6 और अब मैं आपसे कहूं Fe3+ का कॉन्फिगरेशन तो ये होगा 3d5 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डी ब्लॉक में लिखे जाएंगे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं आयरन टाइटेनियम वगैरह इस तरह से तो ये बेटा क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है अब जरा इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह अपन देखो करते हैं मान लो आपसे कहा जाए कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग एन इक्वल टू टू एंड एल इक्वल टू वन एक एटम में एन इक्वल टू टू और एल इक्वल टू वन के मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ठीक है एन इक्वल टू टू और एल इक्वल टू वन ये दोनों कंस्टेंट एक साथ होने चाहिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये आपसे कहता है एन इक्वल टू टू के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपके पास फॉर्मूला था टू एन स्क्वायर एंड आंसर इज एट लेकिन इसने कहा एन इक्वल टू टू और एल इक्वल टू वन तो जरा लिखते हैं कॉन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स ऐसे एंड सोन होगा ये वो सेट है बेटा जिसके लिए एन इक्वल टू तो टू है और ऑल इक्वल टू वन इसके अलावा आप ध्यान से देख लो किसी के लिए ऐसा नहीं है और इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें आंसर सिक्स इसी तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग एन इक्वल टू थ्री एंड एम एल इज इक्वल टू जीरो इलेक्ट्रॉन का नंबर आपको बताना है एन इक्वल टू थ्री यानी थर्ड शेल पे आना है सीधे आते हैं यही होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें सारे ये भर गए आपको इन सारे इलेक्ट्रॉन्स में से वो इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं जिसमें एम एल की वैल्यू जीरो हो सोच लो वीडियो पॉज करके सोचो फिर मेरा सोलूशन जो मैं बता रहा हूं वो यहां देखना उम्मीद है कि आप लोगों ने भी सही किया होगा तो क्या है देखो ये जो 3s है ये एक सेट है 3p एक सेट है और 3d एक सेट है थ्री डी अब इसमें एम एल की वैल्यू थ्री एस के लिए क्या होगी जीरो इसके लिए क्या होगी प्लस वन जीरो माइनस वन ये मत समझना कि पहले वाला प्लस वन है नहीं कोई भी डिब्बा प्लस वन जीरो और माइनस वन कुछ भी हो सकता है हम ये कह रहे हैं इनमें से एक तो है ना ऐसा हाँ ऐसे यहां क्या है माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू एक डिब्बा ये तो अब आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का ये पहले वाले ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें से भी दो इलेक्ट्रॉन और इसमें से भी दो इलेक्ट्रॉन द आंसर इज सिक्स बात समझ में आई इस तरह से आप ये कर सकते हैं ऐसे ही एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग एन इक्वल टू थ्री एम एस इज इक्वल टू या एस यानी स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ यही सिस्टम है एन इक्वल टू थ्री के इलेक्ट्रॉन्स ये हैं एन इक्वल टू थ्री में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटीन और वो एटीन इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं इसका मतलब आधो के यानी नाइन के स्पिन अपवर्ड नाइन के डाउनवर्ड तो आपको लेने हैं कोई भी एक स्पिन और इसलिए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का नाइन ठीक है तो इस तरह से आप क्वांटम नंबर के क्वेश्चन को आप इस तरह से सोल्व करते हैं अभी मैं कुछ और क्वेश्चन बताता हूं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए देखो बेटा एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मान लो बेस्ड है Fe 26 सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करो 1s2 2s2 2p6 3s2, 3p6, 3d6, 4s2, ठीक है एफ ई टू प्लस क्या हो जाएगा 3d6 और एफ ई थ्री प्लस क्या हो जाएगा 3d5, ठीक अब आपका क्वेश्चन ये है फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन इक्वल टू टू एंड एम एल इक्वल टू जीरो इन एफ थ्री प्लस ठीक है कैलकुलेट ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ L equal to one in Fe two plus. ये बेटा अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन एफ ई थ्री प्लस के लिए है एन इक्वल टू टू और एम एल इज इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू टू और एम एल इज इक्वल टू जीरो तो लिखेंगे एन इक्वल टू 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 एस टू टू पी सिक्स एन इक्वल टू टू सिर्फ इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के लिए है बाकी इलेक्ट्रॉन इसमें और ज्यादा भी हैं इनमें से एम एल इक्वल टू जीरो इसके लिए एम एल ज़ीरो और इसके जो तीन ऑर्बिटल हैं उनमें से किसी एक के लिए जीरो होगा सारे फील्ड हैं और इसलिए इसका आंसर क्या आएगा फोर सेकेंड पार्ट आपको एफ ई टू प्लस बताना है एल इक्वल टू वन के इलेक्ट्रॉन तो एल इक्वल टू वन इसका मतलब पी तो बेटा टू पी एक तो सिक्स है और एक थ्री पी सिक्स है आंसर क्या हो गया ट्वेल्व थर्ड एम एल इक्वल टू जीरो में ध्यान से देखो एम एल इक्वल टू जीरो वन एस टू ML zero two S two zero two P two two P six plus one zero minus one three S two zero three P six plus one zero minus one three D ten plus two plus one zero minus one minus two or uh, फोर एस टू इसके लिए भी जीरो थ्री uh, सिक्स तो कहानी ये है अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो वन एस के लिए जीरो है ml की वैल्यू टू एस के लिए भी जीरो है टू पी में तीन ऑर्बिटल हैं उनमें से किसी एक ऑर्बिटल के लिए जीरो होगी ना यस थ्री एस में ये जीरो आएगी थ्री पी में भी जीरो आएगी ना थ्री डी में भी ये एक ऑर्बिटल के लिए जीरो और फोर एस के लिए भी जीरो तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर आप कैलकुलेट कर रहे हो थर्ड में उसका आंसर होगा टू तो ये वाले इलेक्ट्रॉन आए टू एस के सॉरी वन एस के फिर टू टू एस के टू पी में भी दो इलेक्ट्रॉन थ्री एस में दो इलेक्ट्रॉन थ्री पी में दो इलेक्ट्रॉन पहले फोर एस के इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं दो अब बारी आएगी थ्री डी सिक्स थ्री डी सिक्स में ये अरेंजमेंट है बेटा थ्री डी सिक्स में वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ये अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट में कौन से ऑर्बिटल के लिए एम की वैल्यू बेटा जीरो है क्या आपको दिखाई दे रहा है तो आपको तो ऐसे कंफर्म तो है नहीं तो हम यहां पे दो अजम्पन लेंगे एक कि जो पहला वाला जिसमें जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है क्या इसके लिए जीरो है अगर इसके लिए है तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे और अगर बाकी किसी के लिए हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसके दो आंसर होंगे टू और वन ऐड किए जाएंगे और आंसर होगा और दो आंसर क्योंकि डी शेल में किस ऑर्बिटल के लिए एम की वैल्यू जीरो है और किसके लिए जीरो नहीं है ये हमें कंफर्म नहीं होता तो कोई भी एक केस इसमें आप ले सकते हैं इसलिए दो आंसर आएंगे उसके बाद फोर्थ पार्ट है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल इक्वल टू टू और एम एल वन एल इक्वल टू टू चाहिए यानी डी ही चाहिए और एम एल चाहिए मॉड है बेटा इसका मतलब फोर्थ पार्ट में आपको एम एल प्लस वन और एम एल माइनस वन दोनों चाहिए लेकिन एल चाहिए टू यानी डी में ठीक है तो हम मान लेते हैं कि ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, ये हाफ फिल्ड वालों में से एक है तो एक सवाल का एक आंसर होगा दो टू और दूसरा अगर एक एम एल प्लस माइनस वन वाला है तो दूसरा आंसर क्या आएगा थ्री ये भी आ सकता है ठीक है इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता है क्या अगर हम इसको माइनस वन मान लें और इसको प्लस वन मान लें तो भी यही आएगा तो आंसर या तो दो होगा या तीन होगा इसके बाद पूछ रहा है एन इक्वल टू थ्री और एम एल प्लस वन के इलेक्ट्रॉन एफ ई टू प्लस में अब एफ ई टू प्लस में आते हैं ये जो फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन इसमें एफ ई थ्री प्लस में पूछा है थोड़ा सा अपन को बैक करना पड़ेगा ये बेटा इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल इक्वल टू टू एम एल मॉड वन ध्यान से इस क्वेश्चन धोखा है धोखा दिया गया है ठीक है और Fe3+ प्लस ठीक Fe3+ प्लस में एल इक्वल टू टू के जरा इलेक्ट्रॉन लिखो बेटा तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ 3d5 है और 3d5 में वन टू थ्री फोर फाइव ये अरेंजमेंट होगा लेकिन आपको चाहिए ML एल मॉड वन इसका मतलब आपको एम एल वन भी चाहिए और माइनस वन भी चाहिए वन और माइनस वन दोनों और जब वन और माइनस वन बेटा दोनों चाहिए तो इनमें से कोई भी दो ऑर्बिटल चूज कर लो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है द आंसर इज टू फिफ्थ पार्ट एन इक्वल टू थ्री और एम एल प्लस वन के इलेक्ट्रॉन एफ ई टू प्लस में ठीक है एन इक्वल टू थ्री एक बार और लिखते हैं 3s2, 3p6 और 3d6 Fe2+ है ठीक 3d6 आपको ऊपर दिख रहा है 3p6 भी दिख रहा है n इक्वल टू 3 के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको दूसरा कॉन्स्टेंट लगाना है ml+1 क्या 3s के लिए ml+1 है नहीं 3p में तीन ऑर्बिटल हैं एक प्लस वन एक माइनस वन और एक जीरो एम वाला तो एक ऑर्बिटल कोई भी ले लो बेटा दो इलेक्ट्रॉन आएंगे 3P में से तो एक तो दो इलेक्ट्रॉन इसके आ गए और उसके अलावा 3D6 में ये है, 3D6 का ये है है का पैटर्न और इसमें से आपको चूज करना है प्लस वन वाला ऑर्बिटल एम एल प्लस वन जिसका है तो एम एल प्लस वन किसका है पता तो है नहीं तो या तो ये फर्स्ट वाला ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है वो ले लो या फिर इन चारों में से कोई एक तो फिर या तो आप दो ऐड कर सकते हो या वन ऐड कर सकते हो द आंसर इज फोर और थ्री फोर और थ्री आंसर होगा इस फिफ्थ क्वेश्चन का और उसके बाद आपको बताना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एफी थ्री प्लस इसके लिए चाहिए एफी थ्री प्लस के नंबर ऑफ अनपेयड इलेक्ट्रॉन म्यू इक्वल टू कितने अनपेड एफ ई थ्री प्लस में ये रहे एफ थ्री प्लस थ्री डी फाइव बाकी सारे पेयर्ड तो ये फाइव इन टू सेवन इसका मतलब थर्टी फाइव रूट थर्टी फाइव बी एम ये इसका आंसर होगा सारे आंसर्स एक बार आप वीडियो पॉज करके देख लें